एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस टैलीज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट के बारे में। ये वही कॉलेज है जहां से मैंने अपनी एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट की है 3 महीने पहले, एंड 3 महीने से मेरी जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ एंड आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकती हूँ। रीजन यही है कि मुझे यहाँ 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इसी कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के मैं फिलहाल ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो इस हॉस्टल, इस रूम से रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपके कॉलेज का नाम बताइए, आपके कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। तो कॉलेज के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, ये जो कॉलेज है वो 100% रिजर्व्ड है। लाइक 100% इसकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है। 100 में से 78 सीट्स जो हैं वो हैं वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए। ठीक है, वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल से हम क्या समझते हैं कि जिनके भी पेरेंट्स, मम्मी या फिर पापा, ठीक है, वो आर्मी में थे या फिर हैं, सर्विस हों या एक्स सर्विस मैन हों, उनके लिए ये जो कॉलेज है उसमें सीट्स रिजर्व्ड हैं। 100 में से 78 सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब आपके पापा या मम्मी जो हैं वो हो सकता है कि ऑफिसर रैंक से हों या किसी भी रैंक से हों, ठीक है, नायक, हवलदार, तो किसी भी रैंक से हों आप इस कॉलेज में डेफिनेटली जो है एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे रैंक के बेसिस पे कोई पार्शियलिटी जो है वो नहीं होती है, सब कुछ नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। तो आर्मी वालों के लिए है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, नेवी या एयरफोर्स के लिए यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड हैं। 100 में से 78 सीट्स की बात हो गई है, रिमेनिंग जो 2 सीट हैं वो ऑल इंडिया एससी एसटी के लिए हैं। 80 सीट कंप्लीट हो गई हैं, 20 सीट जो हैं वो हैं दिल्ली एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो स्टेट कोटा होता है एंड कैटेगरी कोटा होता है, तो उसके अंडर यहाँ पे 20 सीट्स जो हैं वो दिल्ली एससी एसटी के लिए हैं। तो टोटल जो है ये 100 सीट्स हैं यहाँ पे इस कॉलेज में। एंड अगर आपके मम्मी या पापा आर्मी में हैं या फिर थे, देन डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। लोग जो हैं वो जानते ही नहीं है इस कॉलेज के बारे में। एंड अगर मैं भी नहीं जानती होती, लाइक मैं शायद नहीं जानती थी पहली बार में जब मैंने ड्रॉप लिया था तब, वरना अगर मैं तब से ही अगर अप्लाई करती तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाता। रीजन यही है कि आपका जो स्टेट है, लाइक मेरा स्टेट राजस्थान था, तो वहां जो कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ से यहाँ पे 10-15 नंबर कम जाती है कट ऑफ। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो बॉर्डर लाइन पे। अब इस कॉलेज के बारे में हमने ये जान लिया कि किन लोगों के लिए ये कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज की एक सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज है जो लोगों को लगती है, जिसकी वजह से लोग इस कॉलेज को ऑप्ट नहीं करते हैं, वो है इसकी फीस। तो वो जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ACMS दिल्ली कैंट सर्च करोगे गूगल पे, तो आज अगर अभी आप सर्च करते हो तो वहां पे लिखा आएगा कि प्राइवेट कॉलेज। अब इसको प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में क्यों डाला गया है, रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस कॉलेज को फंड नहीं करती है, गवर्नमेंट से इस कॉलेज को पैसे नहीं मिलते हैं। तो पैसा आता कहां से, तो कुछ हमारी फीस जो है वो एक्स्ट्रा है, कुछ खर्चे मतलब हम देते हैं, एंड कुछ खर्चा जो है इस कॉलेज का चलता है वो चलता है आर्मी वेलफेयर फंड से। इनडायरेक्टली एक तरीके से आर्मी इसको थोड़ा फंड करती है, एंड कुछ जो है हमारी फीस के थ्रू यहाँ पे फंडिंग जाती है। तो इस तरीके से ये कॉलेज चल रहा है, एंड क्योंकि गवर्नमेंट इसे फंड नहीं कर रही है इसलिए ये गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता। तो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर है। आप फीस कितनी है, फीस देखो, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस देखें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज की इंडिया में जो फीस होने वाली है 15-20 लाख से कम तो पर एनम नहीं होने वाली है। लाइक एक साल की 15-20 लाख से कम फीस मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज की है इंडिया में। लेकिन इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात भी यही है और सबसे बुरी बात भी यही है कि बाकी अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे इसकी फीस एट प्रेजेंट लाइक 4.25 लाख, 4 लाख से थोड़ा ही कम है पर एनम आपको देना पड़ता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस के चार्जेस अलग होते हैं, वो मंथली एक्सपेंसेस अलग हैं, लेकिन ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो वो 4 लाख के करीब, 4 लाख से थोड़ा ही कम है, 3,72,000 समथिंग है, तो वो आपको हर साल यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये इसकी सबसे नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये जो फीस है ये बहुत ज़्यादा है। यार मेरे पापा जो थे वो ऑफिसर नहीं थे, एंड हमारी बहुत ही लिमिटेड जो होती है पापा लोगों की सैलरी होती है, तो इवन मेरे पापा तो रिटायर्ड थे, तो रिटायरमेंट के बाद तो पेंशन और कम हो जाती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अफोर्ड करने को कर सकते थे, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैं हूं कि मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसे अब नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है जो कोई आपको नहीं बताता है, वो है कि आप बहुत आराम से एक एजुकेशन लोन जो है वो ले सकते हो, एंड फिर आपकी जो फीस होगी वो जो आपने लोन लिया है बैंक आपकी फीस यहाँ पे करेगा, एंड आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। इवन आपके इंटर्नशिप के बाद जब आप कमाना स्टार्ट करोगे तो आप अपना लोन जो है वो रीपे कर सकते हो, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। एंड जब आप कमाना स्टार्ट करोगे तो वो लोन आप बहुत आराम से रीपे कर सकते हो। एजुकेशन लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ना एजुकेशन लोन
उठा रखा है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो फीस जो है बहुत बड़ा इशू है, डेफिनेटली है। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, लोअर मिडिल क्लास स्पेशली, उनके लिए ये फीस एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। तो फीस को दिमाग से हटा के फिर इस कॉलेज के बारे में डेफिनेटली एक बार आप सोच सकते हो। अगर आपका पेरिफेरी में नहीं हो रहा है, आपके स्टेट में नहीं हो रहा है सिलेक्शन, और आपके 10-15 नंबर से रह रहे हैं, लाइक आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन ACMS के लिए आप एक बार ट्राई जरूर करना। अब ट्राई कैसे करना है, तो ट्राई आप कर सकते हो वैसे तो इसके जो GGS IPU, ओके, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू इसके फॉर्म्स फिल होते हैं, एंड वो आपको जरूर भरने चाहिए, नीट से पहले ही भरने चाहिए। मैंने सुना है कि नीट के बाद भी भर सकते हैं, लेकिन कोई रिस्क मत लेना, नीट से पहले ही ये फॉर्म्स जो है वो फिल करके रखना। बाकी अगर नीट से पहले आपने नहीं भरे हैं, देन डेफिनेटली आप एक बार चेक कर लो कि अवेलेबल हैं तो आप भर दो, ओके। क्योंकि एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके देखने में कुछ भी नुकसान नहीं है। आई नो फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट उसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ, तो आपको क्यों ये कॉलेज लेना चाहिए। देखो, जब मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, तो आई वॉज लिटिल अपसेट, क्योंकि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा थी, एंड उस टाइम पर मैं सिर्फ और सिर्फ फीस के बारे में सोच रही थी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हर साल। अगर आपका 4-5 लाख, मेरे टाइम पर तो यहाँ पर फीस मतलब 5 लाख के करीब ही थी, अब थोड़ी कम हो गई है, तो इतनी हर साल अगर फीस देनी पड़ती है, उसके अलावा हॉस्टल के, मेस के खर्चे, खुद के खर्चे, बुक्स के खर्चे, ये सब अलग से हैं, तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा पेरेंट्स के ऊपर भी, इसलिए आई वॉज लिटिल अपसेट। लेकिन फिर मैंने लोन पास करवाया, एंड लोन जैसे मिलने लगा, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है एक बार, लेकिन अगर आप उसके सोल्यूशन ढूंढोगे, देन वो भी सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आज की डेट में अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि फीस की वजह से अगर मैंने ये कॉलेज छोड़ा होता, तो मैं शायद ये मतलब बहुत अच्छी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो खो देती, क्योंकि यहाँ आने के बाद, यहाँ रहने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इवन इसको जो रेटिंग्स हैं इंडिया टुडे के थ्रू, वो भी बहुत अच्छी रेटिंग्स इस कॉलेज को मिली हुई हैं, एंड ये एक यू नो अच्छे कॉलेजेस के लिस्ट में ये कॉलेज आता है। यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो कैरिकुलम है, यहाँ पे हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ही डिसिप्लिन वे में जो है वो फॉलो किया जाता है। डेफिनेटली आर्मी कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉपर जो है NMC की जो गाइडलाइंस होती है, उन सबको फॉलो किया जाता है, आपके कैरिकुलम में भी ऐड किया जाता है, एंड आपको प्रॉपर यू नो तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज़ यहाँ की अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक ही सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ थी, वो थी इसकी फ़ीस। उसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी जो डिस्कशन है वो आपसे कर लिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो। अब अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ ना, तो कट ऑफ्स आपकी जो भी स्टेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे राजस्थान में मतलब बहुत ही हाई कट ऑफ जाती हैं, ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं 2023 की बात करूँ, तो 600 नंबर के आसपास, लाइक 2-3 नंबर ऊपर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, शायद 602-603 यहाँ की कट ऑफ जो है वो गई थी। तो डिपेंड करता है, हर साल कट ऑफ बढ़ी रही है। लाइक मेरे टाइम पे मेरे जो मार्क्स थे वो 564 थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था, इवन 550 प्लस सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। 2019 की मैं बात कर रही हूँ, 550 से 600 पे यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आ चुकी हैं फाइनली। तो कट ऑफ यहाँ पे भी डेफिनेटली बढ़ रही है, एंड अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे एडमिशन लेना इट्स वेरी इजी, नो इट्स नॉट। आपको 600 प्लस मार्क्स चाहिए तो ही आप ACMS के बारे में भी सोच सकते हो। आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इंटर्नशिप जो है वो आपकी बेस हॉस्पिटल से होती है, एंड बेस हॉस्पिटल जो है एक काफ़ी बिजी हॉस्पिटल है, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। एंड यहाँ पे पेशेंट्स जो होते हैं वो आर्मी वाले पेशेंट्स ही आते हैं, जो डिजीजेज हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास हाई क्लास वाली जो लोग हैं उनमें जो डिजीजेज होती है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपको देखना है कि बहुत ही रेयर केसेस, लाइक बहुत ही ऐसी केसेस जो बहुत ही पुअर लोगों में होती हैं, देन डेफिनेटली उसके लिए जो VMMC है, जैसे एम्स है सफदरजंग, एंड एम्स में ना बहुत ही जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी वहाँ पे विजिट करता है, तो उनकी जो डिजीजेस हैं वो सब वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ रहते हुए फील की है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उस टाइप के डिजीजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि वैसे ही लोग यहाँ पे आते हैं। लाइक आर्मी में जो लोग हैं वो डेफिनेटली गरीब तो नहीं है, है ना, तो वो मिडिल क्लास या फिर लाइक हाई क्लास में से ही आते हैं कहीं ना कहीं, और वो वाली लाइफस्टाइल डिजीजेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो फ्री है कहीं ना कहीं, लोग छोटी बड़ी चीज़ों के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। क्लिनिकल आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से होएगी, और मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो आजकल
क्योंकि हम हाइजीन वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे तो बहुत कम होती हैं, होती हैं तो बहुत ही पुअर सेक्शन जो है उनके अंदर होती हैं, जो बहुत ही लाइक अनएजुकेटेड हैं या जिनको बिल्कुल ही हाइजीन का ख्याल नहीं है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो डिजीज होती हैं। अगर इस कॉलेज में आना चाहते हो देन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कितना सीखना चाहते हो, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बेस हॉस्पिटल से आपकी इंटर्नशिप हो रही है एंड इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटल ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे खासे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सो येस, क्लिनिकल एक्सपोजर में कहीं पर भी आपको कमी नहीं मिलने वाली है। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर मैं और कुछ बातें करूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑफिसर्स लाइक आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी आपको पढ़ाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं एंड ओके। सो आई वॉज टेलिंग कि हमें जो AFMC से पास आउट होते हैं उसके बाद यू नो डॉक्टर्स होते हैं, तो वही आके हमें पढ़ाते हैं, जो बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं बेसिकली वही हमें आके एंड पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप समझ सकते हो। एनीवेज, ये जो आपने एकदम से चेंज देखा है ना, वो रीज़न ये है कि फ़ोन हीटअप हो गया, दिल्ली में गर्मी इतनी हो रही है ना, तो फ़ोन हीटअप हो गया था। सो आई होप इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर कर दिए हैं, एंड अगर इस वीडियो पे आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो हम हॉस्टल की एक अलग से पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, उसके जो भी चार्जेस होते हैं, फीस होती है, क्या कुछ होता है, वो सब के साथ। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स हो गया तो ही हॉस्टल के ऊपर वीडियो आएगी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो रह गई हूँ, तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।